हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ है मॉर्निंग का टाइम और आज हमने किए थे गेहूं साफ, जो गेहूं बनाते हैं ना उसको पीसना बोलते हैं, वो किया था। तो उसके बाद घर हो जाता है बहुत गंदा, मतलब धूल धूल हो जाती है। वैसे तो बाहर वाले रूम में किए थे तो वहाँ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आज हवा चल रही थी तो थोड़ा सा डस्ट वस्ट हो ही जाती है। तो आज बस घर की, आज नहीं डेली होती है, तो मॉर्निंग क्लीनिंग जो है, एक बार झाड़ू तो लग गई थी घर में, सुबह जो बासी झाड़ू निकल गई थी, लेकिन अभी जो गेहूं बनाने के बाद धूल धप्पड़ काफ़ी हो गई थी तो बस मैं वही कर रही हूँ। अपने घर की पहले थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ और यहाँ ये पापा की रजाई रखी रहती है और ये पापा के बिस्तर पर कम्बल बिछा रहता है ठंड की वजह से। जैसे अभी ऊपर हैं धूप में, जैसे आएंगे दोपहर के बाद तो फिर लेट जाएंगे सीधा, तो वो उनका बिस्तर लगा ही रहता है। और ये जो एक कमरा है ना, इसमें पापा का ही सामान ज़्यादातर रहता है और उनका सामान का ऐसा रहता है कि जैसे रखा होना चाहिए, यहाँ से वहाँ अगर कुछ कर दिया तो बोले लगती है मेरा वो चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ कहाँ गई। इसलिए पापा का जो भी है, मैं इसलिए छेड़छाड़ कुछ नहीं करती हूँ, तो बस यहाँ पर अच्छे से कर दूंगी अपने झाड़ू वगैरह जो है। धूल धूल सी हो गई थी तो सारी अलमारी वगैरह सब पोंछ के और फिर झाड़ू करूंगी, पोंछा करूंगी और जो सारा जो टेबल वगैरह पे, क्योंकि कभी कभी ये रहता है ना कि जल्दबाजी में मैं जितना हो सकता है कर देती हूँ और जब टाइम मिलता है तो। आज जैसे कि मतलब खाने का मैंने सिस्टम पहले कर दिया है, क्योंकि जब ऐसे काम जो होते हैं ना, जैसे गेहूं वगैरह बनाने होते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो मैं खाने का इंतजाम पहले ही कर देती हूँ, मतलब हैवी नाश्ता कर देती हूँ, फिर खाने का ये रहता है कि टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ मैंने आज चने जो है वो डाल दिए थे रात को, क्योंकि चने सबको बहुत पसंद भी हैं और एक हैवी सा नाश्ता भी हो जाता है। चने बने फ्राई कर दूंगी, इसीलिए मैंने घर की जो है झाड़ू लगा रही हूँ डस्टिंग करने के बाद में। झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोंछा धोऊंगी सारा एरिया, क्योंकि पोंछे से नहीं आता है, कवर नहीं हो पाता जब धूल हो जाती है ना, और गेहूँ आप कैसे भी करो हो ही जाते हैं। तो ये नीचे का बाथरूम है, यहाँ झाड़ू वाड़ू लग गई थी तो मैं इसको धो रही हूँ बाथरूम को। ये आपने शायद नहीं देखा होगा नीचे वाला बाथरूम, तो आज देख लीजिए इसको भी। तो बस इसको धो के और बाहर मैं धोआई हूँ, बाहर का जो चबूतरा है ना वो मैंने धो दिया था, क्योंकि आज धूल इतनी हो रही थी, बार बार जो डस्ट थी ना वो अंदर की तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने पहले बाहर ही धोया था। उसके बाद अंदर झाड़ू किया और भी पोछा रह गया है, पहले मैं आंगन धोऊंगी। और अभी राघव ने अड़ा दिया था काम कि मैं अपनी साइकिल धोऊंगा, तो मैंने कहा चलो, तो भी मैंने यहाँ आधा आधा आंगन ही धोया है, क्योंकि राघव अपनी साइकिल भी धोएगा इसके बाद में। तो यहाँ मैंने राघव की साइकिल कर दी है खड़ी, मैंने कहा तू धो ले अपना बाल्टी और वो ले ले इसे। देखिए ये भी रहता है कि बच्चे अपने काम करना भी सीखते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देखो अपने आप ही उसने बाल्टी ली, मग्गा लिया, अपने पजामा ऊपर किया, जैसे कि हाँ बहुत अच्छे से करने वाला है, अपना कर रहा है। और मैं तब तक अपना पोछा लगा लेती हूँ, हालांकि उसे धोना नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं वीडियो में देख रही हूँ पानी उछाल रहा था ऊपर की तरफ, पर ठीक है आना चाहिए बच्चे को। जब तक हम खुद नहीं कराएंगे फिर हम बच्चे को दोष देते हैं कि हमारा बच्चा ये काम नहीं करता वो काम नहीं करता, जब तक हम नहीं कराएंगे तब तक बच्चा नहीं करेगा। अगर हम बच्चे के ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, बच्चा जो है कोरा कागज़ होता है भाई, हम जैसा उसको पढ़ाएंगे जैसा उसको सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। तो इधर कृष्णा आ गया था, तो देखिए गेट खोलने गया है वो, और कृष्णा पे आज पड़ी थी डांट, क्योंकि वो चला गया था थोड़ी देर के लिए बाहर। आज मैंने कहा बाहर नहीं जाना क्योंकि इसकी स्टडी चल रही है, इसको डांट ही रही थी मैं, तो चला गया था वो 10-15 मिनट के लिए, तो मैं उसको डांट रही थी कि क्यों गए थे तुम बाहर, तो उसको भी पनिशमेंट मिली आज। तो यहाँ पे बस मेरा पोंछा भी लग गया है, थोड़ा सा एक राउंड और रह गया था, और राघव अपना पानी उछाल रहा है आप देख सकते हैं।
तो बस उसके बाद मैंने ऊपर आके काम किया, ऊपर भी काफ़ी काम रह गया था, जैसे दूध उबालना, बर्तन वगैरह, किचन साफ़ करना, वो सब किया। फिर नहाई, नहा करके अब मैं यहाँ तैयार किया है मैंने नाश्ता, तो चने बना दिए थे और ये मैं बना रही हूँ चने के साथ में कुलचे। चने की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बहुत टेस्टी चने लगते हैं। तो भी नाश्ते में मैंने चने यानी छोले समझ सकते हैं कुलचे, इनका नाश्ता दिया है मैंने सबको। तो यहाँ मैं कुलचा सेकती थी, ये रात को लेके आए थे इसीलिए इन्होंने बोला चने डाल देना, और फिर मैंने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाते हैं, गेहूँ वगैरह साफ़ कर लेते हैं क्योंकि हैवी नाश्ता हो जाता है तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया चने बने हैं, और इनकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही टेस्टी चने बनते हैं। और यहाँ नाश्ता लग गया है, प्लेट लग गई है, तो ये प्लेट जो है वो राघव की है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से प्याज डाला है बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और नींबू वगैरह, इसमें सब कुछ है परफेक्ट। तो लीजिए आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म। उसके बाद मैंने धोए हैं कपड़े, कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, और भी रोटी तो बनाई बनानी नहीं है मैंने आज जो है। आज हमारा जो है ना पूरा दिन ऐसे ही हो गया था, नाश्ते नाश्ते में ही, चटपने में ही हो गया था। तो ये बने, फिर शाम को मैंने बनाऊंगी भेलपूरी, क्योंकि अभी सारा सामान था तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे कई दिन से कह रहे थे, भैया भी कह रहे थे कि भाभी भेलपूरी कब बनाओगी, तो मैंने कहा चलो बना दूंगी। यहाँ कपड़े धुल गए थे ये बातों ही बातों में, और आपसे अब यहाँ पे अपने कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आलस आने लगा है, ऐसा लगता है कि 10-15 मिनट लेट लो फिर उसके बाद काम हो पाता है। तो बस मैं कपड़े धोने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। सबको खाना है भेलपूरी, कई दिन से भैया भी कह रहे थे, राघव भी कह रहा था, कृष्ण नहीं कह रहा था, आज सामान भी रखा था, चटनी बनाई थी सुबह मैंने चनों के लिए, आलू बॉईल किए थे, सारा सामान था, मैंने कहा चलो आज भेलपूरी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में लिया है घी, 1.5 चम्मच के करीब घी डाला है, क्योंकि इसमें हम भूनेंगे पहले मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने ये आप डालना चाहें, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, क्योंकि जो हम नमकीन यूज़ करते हैं ना भेलपूरी में, उसमें उतने नहीं होते हैं। तो मैंने मूंगफली जो घर पे रखी थी उसी को मैंने पहले घी में भूना है, और इसके लिए आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो घी होता है ना उससे एक अलग सी महक आती है भेलपूरी में, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए घी का यूज़ किया है, उसमें हम पहले मूँगफली अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली भुनने के बाद इसको निकाल देंगे हम एक प्लेट में या बाउल में, जिसमें भी, उसके बाद इसी घी में मैं डाल दूंगी मुरमुरे। तो ये इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, देख लिया कुछ है तो नहीं, बस अब इनको भी भून लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक। इसमें जो एक अच्छे से करारे हो जाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, और एक खुशबू जैसी भी हो जाती है, हल्का सा इसमें घी की जो स्मेल आती है ना, घी की खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। ये जो है भेलपूरी मेरी नानी के यहाँ हम बचपन में खाया करते थे, उसमें क्या करते थे वो एक उनके नीचे आग जलती रहती थी, मतलब कंडे की आग होती थी और एक मटका जैसा होता था उसमें वो भूनते रहते थे इसको। यहाँ देखिए अच्छे से तिड़वे हमारे जो है मुरमुरे भुन गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। उसके बाद हमने एक बड़ी सी परात ले ली है, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने सारे सामान तैयार करके रखे हैं वो। उसके बाद ये मूंगफली ऐड कर लीजिए जो हमने मूंगफली भून के रखी थी। उसके बाद ये है नमकीन, नमकीन आप कोई भी किसी भी तरह की कितनी भी नमकीन ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 तरह की थी, मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। ये सारी वेजिटेबल्स हैं, इसमें टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और आलू, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है, सारी चीज़ों को एकदम से बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और आलू। इसमें देखिए आप नमकीन तो आप जो भी यूज़ करें, आप चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं तोड़ के, और जैसे मटर वगैरह होती है हरी जो ऐसी नमकीन वाली होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो थी मैंने वही की है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं, जैसे कि हमने ऐड किया है इसमें नमक, ये हमने ऐड किया है 1 चम्मच के करीब चाट मसाला, और पहले इनको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें ऐड करना है चटनी। तो चटनी मैंने पहले ही बना के रखी थी, अच्छे से खट्टी चटनी बना के रखी थी। चटनी इसके लिए ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो बहुत से लोग उसमें मीठा भी पसंद करते हैं, मीठी चटनी भी पसंद करते हैं। तो ये देखिए मेरी जो है मेरे घर की बनी हुई मीठी चटनी, इसमें मैंने खाली करके रखी हुई है, ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीठी चटनी, तो मैंने नहीं डाली है। मैंने कहा जो खाएगा उसके बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से पहले चटनी के साथ और सारे मसालों के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे।
और बेल पूरी सभी को बहुत पसंद होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुड्ढा हो, कोई भी हो, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब ओ भैया को तो इतनी पसंद है यानी मेरे देवर को, कि वो तो जब भी फरमाइश करते हैं भाभी अपने हाथ की भेलपूरी कब खिलाओगी, भाभी अपने हाथ की भेलपूरी कब बना रही हो। तो स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाई है ये। राघव को तो यह मैं कर ही देती हूँ बातों के, हाँ बना दूँगी, लेकिन मैं वो बहुत कई दिन से कह रहे थे, मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। तो यहाँ भेलपूरी बन के हमारी हो गई है तैयार, बिल्कुल मार्केट जैसी और मार्केट से भी अच्छी और शुद्ध। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सर्व, तो भेलपूरी जो है मैं दूंगी इन प्लेटों में जो कागज़ की होती है ना उन्हीं में, उसी में इसका टेस्ट आता है। बर्तन में खाते हो ना तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। उसी तरह से आप एक कागज़ की चम्मच बना लीजिए और इसी तरीके से खाइए। राघव ने तो बिल्कुल वही तरीके से खाई थी, एक बना ली थी जैसे वो लंबा सा कागज़ का बना लेते हैं ना, उसमें भेलपूरी मिलती है हमारे यहाँ नानी के घर पर, तो उसमें उसने ऐसे खाई। तो यहाँ पर मैंने सर्व की है और साथ में बना ली है मैंने चाय, तो अभी जाएगी चाय, सबको मैंने दे दी है भेलपूरी। यहाँ पे ये जो रखी है वो मेरी रखी है, बस अभी सभी लोग खा ही रहे हैं, साथ में चाय मिल जाएगी चाय, तो इसके साथ चाय के साथ तो इसका मज़ा ही कुछ अलग आ जाता है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय, कड़क अदरक वाली और भेलपूरी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। तो जी चलिए काम से हो गए हैं फ्री और हमारा अभी शाम का होगा खाना पीना, तो इसीलिए उससे पहले वीडियो कर देते हैं एंड, क्योंकि वीडियो चल रहा है सुबह से और आज सुबह से हमारे खाना नहीं बना। सुबह बन गए थे चने और वो कुलचे, उसके बाद फिर चाय के टाइम भेलपूरी बन गई। मतलब आज हमारे यहाँ कहते हैं उसको चटपना, चटपना हुआ है आज तो पूरे दिन। अभी शाम को खाना बनेगा, क्या बनेगा कुछ नहीं पता है। अभी वीडियो को मैं सोच रही एंड कर देती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और मिलूंगी आपसे कल। और ना मुझे एक कमेंट आया था कि आपके मायके की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के नहीं अच्छी, यहाँ के मजे नहीं आते वीडियो में। तो भाई देखो मायके में कितने दिन रह सकती हूँ, कुछ ही दिन ना, मायके की वीडियो जितने थे उतने मैंने दे दिए, और आना तो अपने घर ही है, यहीं पे ही आना है, तो आगे वीडियो यहीं के ही आएंगे। अब वही है कि भाई हाँ मैं समझ सकती हूँ वहाँ के वीडियो अच्छे लगते होंगे, क्योंकि यहाँ मैं अकेली पड़ जाती हूँ, वहाँ पूरा परिवार है तो थोड़ी एक अलग ही बात हो जाती है। चलिए बीच बीच में आपको देती रहूंगी मायके की वीडियो जल्दी जल्दी। तो अभी वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे कल एक नए से ब्लॉग, नई सी रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।